हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। बताइए मुझे, मेरी आवाज़ आपके पास आ पा रही है क्या? मेरी आवाज़ आप सभी के पास ठीक से पहुंच पा रही है तो मुझे कंफर्म करिए आप लोग। आ रही है आवाज़? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके में आ रही है? चलिए, आवाज़ वगैरह अगर क्लियर है तो हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, आ सकते हैं। ठीक है, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। आपके पास विकल्प मौजूद है, आप ठीक से सारे विकल्प एक बार देख लीजिए और बताइए मुझे कि क्या लगता है आपको, क्या सही है। कार्ल मार्क्स होगा, आरसी मजूमदार होगा, एस एन सेन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। 1857 के संदर्भ की बात करेंगे, किसने कहा था। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे आपका जवाब सही है। जिन बच्चों ने ए बताया है, यानी कि कार्ल मार्क्स वाले, यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, किसने या किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? वह कौन है जिसको 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है? बहादुर शाह रंगीला, नाना साहब और तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, ये नाम आपके पास लिखे हुए हैं, तो बताइए मुझे क्या उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में आप किसे जानते हैं, किसको देखते हैं? सभी लोग करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो आंसर यहां पे आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बहादुर शाह जफर हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अंतिम मुगल बादशाह किसे कहा जाता है, बताइए मुझे। आखिरी मुगल बादशाह आप किसे कहते हो? अंतिम मुगल बादशाह के रूप में आप किसे जानते हो? तो वहां पर भी आपका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह, ये बहादुर शाह जफर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, 1857 की क्रांति में नाना साहब का जो योगदान था वह कहाँ से था, बताइए। 1857 की क्रांति की बात करेंगे और आपको बताना है कि नाना साहब का जो योगदान था वह कहाँ से था, ये सवाल आपके लिए रहेगा। चलिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की गई? पहला, चांदी के सिक्के जारी करने पर, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद, या जो भी विकल्प दिए गए हैं सारे ही सही हैं। तो विकल्प को पढ़ लीजिए और बताइए मुझे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? 3 नंबर रहेगा। आंसर की बात करेंगे, यहां पे जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, मतलब शकों का उन्मूलन करने के बाद। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अच्छा, बताइए मुझे कि गुप्त काल के कौन से राजा हैं जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है? गुप्त काल के उन राजा का नाम बताइए जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। सभी लोग करिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताना है आपको कि आपके जो फाहियान हैं वह किसके टाइम पीरियड में या किसके शासनकाल में भारत आए थे। सभी लोग करिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम होगा, अशोक होगा, हर्षवर्धन होगा, या चंद्रगुप्त सेकंड होगा। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रयास करिए, उत्तर जरूर दीजिए आप सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 4 के उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनमें से कौन है जिसने कलिंग विजय की थी, सवाल यह है कब की थी। बताओ भाई फटाफट क्या होगा, इनमें से कौन है, एक बार जरा देख लीजिए, बताइए। कलिंग विजय किसने और कब की थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अशोक के द्वारा कलिंग विजय की गई थी, जो कि आपको ध्यान में रखना है। 261। चलिए, अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था, बताइए मुझे। अशोक के द्वारा कौन से धर्म को स्वीकार किया गया था और कौन से युद्ध के बाद इन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया, कौन सी विजय के बाद? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, ह्वेन सॉन्ग किसके टाइम पीरियड में आया था? ह्वेन सॉन्ग किसके टाइम पीरियड में आया था, ये भी आप अगर चाहें तो बता सकते हैं, अच्छा सवाल रहेगा।
चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? इनमें से कौन है जो जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? बिंबसार होगा, खारवेल होगा, कनिष्क होगा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। जैन धर्म की यहां पे हम बात करेंगे और आप मुझे बताएंगे जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं आप चाहें तो बता सकते हैं, ये भी सवाल। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन कहे जाते हैं बताइए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? सभी लोग करिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिलहाल 5 के उत्तर की बात करेंगे। यहां पे आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें ये बी जो लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आइए अगला सवाल। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? बताओ भाई फटाफट क्या होगा। महावीर के पूर्व जैन धर्म को कौन से नाम से जानते थे? कैवलिन, जैन, निर्ग्रंथ और तीर्थंकर। सवाल नंबर 6 रहेगा, ध्यान से बताइएगा क्या आंसर है यहां पे। केवलिन होगा, जिन होगा, निर्ग्रंथ होगा या जो भी होगा बताइए। सभी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्रयास करिए, उत्तर दीजिए। और ये बताइएगा जैन धर्म में आखिरी तीर्थंकर कौन थे? लास्ट तीर्थंकर कौन कहे जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा और कोशिश करिए उत्तर दीजिए सभी लोग। चलिए 6 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। आपका यहां पर निर्ग्रंथ सही है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो बिल्कुल आपने सही दिया है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता और उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम ताई सेकंड कहा गया? बताओ भाई फटाफट किसको हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी गई या हातिम ताई द्वितीय कहा गया, किसे कहा गया आपको ये बताना रहेगा। इल्तुतमिश होगा, ऐबक होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक होगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा? दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, करिए सभी लोग। तो यहां पे आपका आंसर की बात करेंगे, सभी का उत्तर यहां पे सही है, ऐबक। ऐबक के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जब भी आपसे पूछेगा तो ऐबक का टाइम पीरियड आप क्या मानते हैं बताइए मुझे। ऐबक का जो टाइम पीरियड है वह 1206 से लेकर 1210 तक का माना जाता है, ठीक है? 1206 में जब ये राजा बनते हैं, सबसे पहली बात ये किसके गुलाम थे बताइए मुझे, यह किसके गुलाम थे अगर पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे आप? और ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इनके द्वारा ही मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए हैं बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए हैं? 5 हुए हैं, राइट। चलिए रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी बताइए। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी आपके लिए सवाल है, कोशिश करिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? इनमें से कौन है जो ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? कुतुब मीनार होगा, कुवतुल इस्लाम होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा होगा, अलाई दरवाजा होगा, जो भी आपको लगता है आप आंसर ध्यान से करिए सभी लोग। निम्नलिखित में कौन सा है जो ऐबक के द्वारा नहीं बनवाया गया था? सवाल नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अलाई दरवाजा है इसके बारे में आप सबने सुन भी रखा होगा, चूंकि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, इसके निर्माण का जो श्रेय है वह अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। बाकी जो आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे कुवत इस्लाम हो या अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो, सब में किसी न किसी तरीके से ऐबक का योगदान जरूर रहा है। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने स्टार्ट कराया था, इसे पूरा नहीं कराया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? निजामाबाद आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? 9 नंबर सवाल है, पहले पढ़ लीजिएगा। ये जो आपका निजामाबाद है वह आपको मंजिरा के किनारे, कृष्णा के किनारे, बिंदुसार के किनारे
या फिर गोदावरी के किनारे? बताओ भाई फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका निजामाबाद है, यह आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? ध्यान रखिएगा, यह आपको गोदावरी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है, ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा ये जो आपका निजामाबाद है, पहले मुझे ये बताइएगा कि पड़ता कहाँ है, ये आपका निजामाबाद पड़ता कहाँ पे है, ये बताना रहेगा आपको। सभी लोग उत्तर दीजिएगा फटाफट, पड़ता कहाँ पे है, किसी को आइडिया है तो बता सकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएंगे कि दिए गए विकल्प से अगर देखा जाए तो कृष्णा की टोटल लंबाई कितनी है? ये जो आपका कृष्णा है, कृष्णा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की टोटल लंबाई कौन बताएगा आप में से? सभी लोग करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी रहेगा। चलिए, कृष्णा की जो टोटल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। अगला सवाल रहेगा, ये सांगली आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? आपका जो सांगली है, ये आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? वैनगंगा होगा, कृष्णा होगा, पूर्णा होगा या गोदावरी होगा? सांगली आपको कौन सी नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? सवाल नंबर 10 है, वैनगंगा, कृष्णा, पूर्णा और गोदावरी। सभी लोग ठीक से पहले देख लीजिए फिर उत्तर दीजिएगा। चलिए, 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका कृष्णा हो जाएगा यहाँ पे, और ये कृष्णा आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में, सामाजिक सद्भाव में। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता या फिर सामाजिक सद्भाव। चलिए, सवाल नंबर 11 है और आंसर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा धार्मिक सद्भाव में। ठीक है भाई, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन माने जाते हैं? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत के रूप में आप किसको जानते हैं? संत ज्ञानेश्वर को जानते हैं, नामदेव को जानते हैं, संत तुकाराम को जानते हैं या किसको भी जानते हैं? नाम बताइए फटाफट। शिवाजी की बात कर रहा है यहां पे। 12 के आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तुकाराम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइएगा, शिवाजी के बारे में अगर हम बात करेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है वो कब का माना जाता है, बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सभी लोग करिए, शिवाजी का जो जन्म है वह कब का माना जाता है? तो इनका जन्म जो है वो 1627 और 1630, ये दो आंसर आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है बताइए? तो शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर भी बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, ये आपका क्या होगा? 1674 होगा। शिवाजी की मृत्यु कब होती है, बहुत बार पूछा गया है, तो शिवाजी की मृत्यु कब होती है भाई? ये 1680 में होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नको झील आप कहां पर देखते हैं बताइए मुझे, नको झील आप कहां पर देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, गोवा में देखते हैं या गुजरात में देखते हैं? नको झील के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। चलिए, सवाल नंबर 13 है, 13 है, उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, हिमाचल प्रदेश, जिसका भी आया है, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बताइएगा, दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए तो एशियाई शेरों के लिए बड़ा फेमस अभयारण्य है, कौन से राज्य में है बताइए?
एशियाई शेरों के लिए बड़ा ही फेमस अभयारण्य है जो आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है, सभी लोग करिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रयास करिए, उत्तर दीजिए, आना चाहिए सभी का। हो गया भाई, चलिए बिल्कुल, यहाँ पे आपका गुजरात सही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान सही है। तसोंगमो झील आप कहाँ पर देखते हैं बताइए मुझे, ये जो आपकी तसोंगमो झील है इसे आप कहाँ पर देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पे आपका सवाल नंबर 14 है, और 14 नंबर सवाल के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो आपका बी सही है। क्या सही है भैया? बी सही है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? निम्न में वह कौन सा स्थान है जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? बताओ भाई फटाफट। विष्णु प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग होगा, रुद्र प्रयाग होगा, देव प्रयाग होगा। कौन सा स्थान है जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? चलिए 15 के आंसर की बात करेंगे, यहां पे आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही है, ये आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, आप ये रुद्रप्रयाग कौन से स्थान पर देखते हैं, कहां पर देखते हैं बताइए मुझे, आपको ये जो रुद्रप्रयाग है वो कहां दिखाई पड़ता है? सभी लोग करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट आइए। ये रुद्रप्रयाग आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है बताइए? आपकी ये जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड व आंध्र प्रदेश, जो भी आपको लगता है प्रयास कीजिए बताइए। ये जो आपकी नदी है वो कहां से होकर बहती है? 16 नंबर सवाल है, 16, और जवाब की बात करेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। बारना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बारना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बारना, गिरना, बेतवा, नर्मदा। बारना बांध परियोजना के विषय में हम बात करेंगे, यह आपको किससे संबंधित है आपको बताना रहेगा। चलिए यहां पे बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, उत्तर आपका यहां पे ए हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे बढ़िए। टीपू मुख बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टीपू मुख बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, बराक और तीस्ता। चलो भाई सभी लोग करिएगा, ये आपका टीपू मुख बांध परियोजना किससे संबंधित है ये बताना है आपको। सभी लोग ठीक से करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 18 है, 18 है, चलिए जवाब की बात करेंगे। 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? वो आपका सी होगा, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। लोटस टेम्पल आपको कहाँ दिखाई पड़ता है बताइए मुझे, यह जो आपका लोटस टेम्पल है आपको कहाँ दिखाई पड़ता है बोलिए? लोटस टेम्पल के विषय में हम बात करेंगे, नई दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और चंडीगढ़। वेरी गुड, सभी लोग करिए, 19 के आंसर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा। ये आप कहाँ देखते हैं? ये आप नई दिल्ली में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए मुझे कि दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के पास कितने जिले हैं बताइए? तमिलनाडु के पास जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं?
तमिलनाडु के पास जिलों की संख्या आप 38 मानते हैं, 38, ठीक है, नेक्स्ट आइए। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर आप किस राज्य में देखते हैं? ये आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो आप किस राज्य में देखते हैं? गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल होगा, तमिलनाडु होगा या आंध्र प्रदेश होगा? दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? सवाल नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर की बात करेंगे, आपका 20 सही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपको ध्यान में रखना है। दिए गए राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चावल होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। त्यागराज स्वामी मंदिर आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? त्यागराज स्वामी मंदिर आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। ये जो आपका त्यागराज स्वामी मंदिर है ये आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? 21 इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु आपका सही है, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर आप कौन से राज्य में देखते हैं बताइए? आप ये प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में देखते हैं? आइए, तो ये मीनाक्षी मंदिर भी आपको तमिलनाडु में ही दिखाई पड़ता है, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये विट्ठल स्वामी मंदिर आप कहां पर देखते हैं, कौन से राज्य में देखते हैं? विट्ठल स्वामी मंदिर यह आप कौन से राज्य में देखते हैं? आपके लिए अच्छा सवाल है, करिए। चलिए 22 के आंसर की बात करेंगे। 22 का जो जवाब होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबरीमाला मंदिर आप कहाँ देखते हैं बताइए मुझे? सबरीमाला मंदिर जो है वो आप कहाँ पर देखते हैं बताइए? चलिए, तो ये जो आपका सबरीमाला मंदिर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब, और उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है बताइए मुझे? उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है बताएं? अनसुईया उइके, गुरमीत सिंह, नजमा हेपतुल्ला, बी डी मिश्रा। उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? चलिए 23 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा, गुरमीत सिंह, नाम आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। त्रिपुरा के वर्तमान गवर्नर कौन है? त्रिपुरा के वर्तमान गवर्नर कौन है? त्रिपुरा की बात करेंगे, ठीक से उत्तर दीजिएगा। ये जयराम ठाकुर, रमेश बैस, सत्यदेव नारायण आर्या या बी डी मिश्रा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के वर्तमान गवर्नर जो हैं वो आपका सी ठीक होगा, सत्यदेव नारायण आर्या सही होगा, और दिमाग में सेट रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी बताइए वर्तमान में क्या है? त्रिपुरा की राजधानी वर्तमान में क्या है बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? जूट उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है बताइए मुझे? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात। हम जूट की बात कर रहे हैं और इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। सवाल नंबर 25 के आंसर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है?
कौन से राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बताइए आप सभी लोग। सवाल नंबर 26 के उत्तर की बात करेंगे तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, सभी लोग करिएगा, बी सही है, पंजाब। क्या होगा भाई? पंजाब होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। कोनो राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं, बताइए? ये जो आपका कोनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप कहां पर देखते हैं? कोनो राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पे देखते हैं, आपके लिए सवाल रहेगा, बताइए। उत्तराखंड में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, या एमपी में देखते हैं? उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपका जवाब जो है वो डी सही है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, ये आपका गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां देखते हैं? ये आपका सिक्किम में है, कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, ये कहां पे है? चलिए 28 नंबर सवाल है, उत्तर की बात करेंगे, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना कब समाप्त किया गया, ये बताइए। 1971, 74, 98, 2005। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना चलिए सवाल नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बी आपका हो जाएगा यहां पे, 1974, जो कि आपको ध्यान में रखना है। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले या सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? विलियम रोएंटजेन, अमर्त सेन, लिनस पॉलिंग, या जो भी लग रहा है आपको बताइए। चलिए यहां पे सवाल नंबर 30 है, उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संधि करी? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संधि की? हरिहर बुक्का देवराय सेकेंड और कृष्ण देवराय। चलिए 31 नंबर सवाल है, 31, आंसर की बात करेंगे, यहां पे आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह किस वंश से संबंधित है, बताइए मुझे। 32 नंबर सवाल है, 32, एक बार ठीक से देखिए, बताइए इसका संबंध आप किससे मानते हैं? तो इसका संबंध आप चोल से मानते हैं, ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए, मदर टेरेसा के पिता का नाम बताइए, मदर टेरेसा के पिता का नाम बताइए। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, करिए सभी लोग। सवाल नंबर 33 है, आंसर की बात करेंगे, आपका बी होगा, आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, बताइए।
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी लोग करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, एनी बेसेंट के पिता का नाम बताइए। एनी बेसेंट के पिता का नाम बताइए। विलियम बर्टन प्रेसवुड, विलियम चार्ल्सवुड, और जो भी ये बताइए, एनी बेसेंट के पिता का नाम। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रयास कीजिए, उत्तर दीजिए। चलिए 34 के आंसर की बात करेंगे। 34 का जो जवाब होगा वो आपका ए सही है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये, एनी बेसेंट के पिता का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। बाबर होगा, अकबर होगा, औरंगजेब होगा, जहांगीर होगा। चलिए सवाल नंबर 35 है और आंसर की बात करेंगे। आपका जवाब यहां पे क्या हो जाएगा, ये अकबर हो जाएगा। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन माना जाता है। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन माना जाता है या किसको कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आपका 36 नंबर सवाल रहेगा और जवाब की बात करेंगे। सबसे पहले सफलता की बात करेंगे तब आप हुमायूं का नाम लेंगे। समझ गए, अकबर की गुजरात विजय प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन सबसे पहले की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे ये आपका हुमायूं सही है। चलिए नेक्स्ट आइए। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार, इसके प्रचार हेतु किसे भेजा, बताइए। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किसको भेजा। संघमित्रा, महेंद्र, दोनों या महारक्षित। चलिए 37 नंबर सवाल के उत्तर की बात करेंगे। आपका दोनों यहां पे सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियदसी भी कहा जाता है या भी माना जाता है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, अशोक होगा या चंद्रगुप्त होगा। चलिए भैया यहाँ पे आपका 38 नंबर सवाल है, उत्तर की बात करेंगे, आपका अशोक हो जाएगा। समझ गए आप, अशोक के पिता का नाम बताइए। अशोक के पिता कौन थे बताइए मुझे। अशोक के पिता कौन थे बताइए मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे या कौन है, सॉरी, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बताइए। कॉर्नाड संगमा, जोरा मथंगा, प्रेम सिंह तमांग, और इनमें से कोई नहीं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे आपको बताना है। 39 के उत्तर की बात करेंगे। यहां पे जो आपका जवाब होगा वो सी है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन माने जाएंगे बताइए। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री आप किसे मानेंगे बताइए मुझे। कलराज मिश्र, कमलनाथ, अशोक गहलोत, और इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 40 के उत्तर की बात करेंगे।
यहाँ पे आपका जो जवाब होगा भाई वो सी होगा, अशोक गहलोत होगा। आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है? वर्तमान में आपके सीबीसी कौन है बताइए। विमल जुल्का, सुरेश एन पटेल, ऋषि कुमार शुक्ला और शरद कुमार। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सी आपके सीबीसी कौन है? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। हाल ही में सीमा सड़क संगठन इसके 27वें महानिदेशक के रूप में किसको जाना जाता है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में किसको जाना जाता है? 42 के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब यहां पे क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, मतलब किसको नियुक्त किया गया है? 27वें यहां पे लिखा हुआ है, बताओ क्या उत्तर होगा? सवाल नंबर 42 है, पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा। आंसर यहां पे आपका डी हो जाएगा, जनरल राजीव चौधरी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो सही है, एडले सुमेरी वाला, ए वाले बच्चे यहां पे सही हैं जिन्होंने ए बताया है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है बताइए। योगेश कृष्णमूर्ति, अनूप चंद्र पांडे, संजीव सहाय, राजीव सक्सेना। आइए ध्यान से करिए आप सभी लोग। सवाल नंबर 44 है, उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपका क्या उत्तर होगा? बी होगा, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखिए आप इसे। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। जापान का नागासाकी नगर किससे संबंधित है या किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी, आप मुझे बताइए, हिरोशिमा डे और नागासाकी डे आप कब मनाते हैं? हिरोशिमा डे और नागासाकी डे ये कब मनाते हैं आप? चलिए, वेरी गुड। आइए, यहां पे जो आपका आंसर है 45 नंबर है, उत्तर की बात करेंगे, आपका ए सही हो जाएगा यहां पे, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। और जापान का नागासाकी नगर आपसे यहां पे पूछा गया था। नेक्स्ट आइए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं बताइए मुझे। एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जो भी है बताइए। चलिए, तो यहां पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हो जाएगा, जो कि आपको क्या करना है याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आइए, रामनाथ कोविंद की माता का नाम क्या था? रामनाथ कोविंद की माता का नाम क्या था बताइए। मैनावती देवी, सविता कोविंद, कलावती देवी और इनमें से कोई नहीं। रामनाथ कोविंद की माता का नाम क्या था बताइए। चलिए, तो यहां पे जो आपका जवाब होगा वो कलावती देवी सही है।
आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम बताइए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम बताइए। 48 नंबर सवाल है, 48। उत्तर हो जाएगा कृष्णा देवी। क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर? यहां पे हो जाएगा कृष्णा देवी, जरूर ध्यान रखिए आप। महाप्रभु वल्लभाचार्य किसके गुरु थे बताइए मुझे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ये किसके गुरु थे? हाँ सवाल नंबर 49 है, उत्तर की बात करेंगे। आपका 20 सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य लिखा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ते हो यार तुम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और ये आपका आखिरी सवाल रहेगा। बाबा नरहरि किसके गुरु माने जाते हैं? बाबा नरहरि किसके गुरु माने जाते हैं? 50 नंबर सवाल रहेगा, और आंसर की बात करेंगे। आपका जवाब हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा भाई? तुलसीदास, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, तो ये सारे सवाल थे जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आप इन्हें याद कर लें। और आप में से जिन बच्चों ने अभी तक एसएससी प्लस ज्वाइन नहीं किया है, वो आज ही ज्वाइन करें। और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑफर मिलता है। देखिए 26 जनवरी का एक बड़ा ऑफर है कि अगर आप 1 साल से ऊपर का प्लस लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो आप इसे इसका लाभ जरूर उठाइए, और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आप बहुत सारे बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 19 तारीख से, और आगे भी होने वाले हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन के उम्मीद अच्छी होगी, तो ज्वाइन जरूर करें। आइकॉनिक फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अगर आप चाहें तो आप आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज का डाउट नामक एक फीचर है, जहाँ से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्टरीज यहाँ पर आपको फ्री मिलती है, अगर आप ज्वाइन करते हैं प्लस, तो आप प्लस वाली टेस्टरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। रेज हैंड का एक विकल्प मिलता है अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तब। यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपनी समस्याएं रख सकते हैं, या पूछ सकते हैं, या जान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, एसएससी में हर संडे क्या होता है, 12 PM पे आपका कॉम्बैट होता है। समझ गए? ये 12 PM पे क्या होता है, आपका कॉम्बैट होता है। इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, आप अच्छा रैंक लाते हैं तब आप जीत पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रयास करिए। आपको फिलहाल कोड क्या यूज़ करना है, दीपक सिंह YT10। दीपक की स्पेलिंग आपको पता है DEEPAK, फिर सिंह की स्पेलिंग आपको पता है SING H, फिर उसके बाद YT लिखना है, YT, और उसके बाद 10 लिख देना है, दीपक सिंह YT10। पूरी स्पेलिंग लिखेंगे फिर प्रोसीड कर जाएंगे, आप यहाँ पे जुड़ पाएंगे अनअकैडमी एसएससी प्लस से। ठीक है, जहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगली क्लास में, अपने अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आपको इतना ही करना है, और प्लस अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें और इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे।